नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देहरादून का इतिहास और देहरादून के बारे में कुछ रोचक बातें बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में बसे देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। यह भारत के उप पर्वतीय स्थानों में से सबसे सुंदर रिजॉर्ट में से एक है, जो अपने प्राकृतिक प्रवेश के लिए जाना जाता है। देहरादून का नाम डेरा तथा दून नामक दो शब्दों से मिलकर बना है। डेरा का अर्थ है शिविर और दून का अर्थ है घाटी का संग्रह। देहरादून दून घाटी में हिमालय की तलेटियों में स्थित है, जो पूर्व में गंगा नदी और पश्चिम में यमुना नदी के बीच स्थित है। शहर अपने सुरम्य परिदृश्य और थोड़ी सी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है और आसपास के क्षेत्र के लिए एक प्रवेश द्वार प्रदान करता है। देहरादून का नगर निगम स्थानीय रूप से नगर निगम देहरादून के रूप में जाना जाता है। देहरादून अपने बासमती चावल और बेकरी उत्पादों के लिए भी जाना जाता है। देहरादून का लिखित इतिहास लगभग 250 ईसा पूर्व का है और शहर के बाहरी इलाके कालसी में राजा अशोक का शिलालेख इसका प्रमाण है। एक चट्टान पर 14 नक्काशी की गई है और पास में ब्रिशेरी राजवंश के राजा सीलवर्मा द्वारा 3 घोड़ों के बलिदान की जगह है। उन पर लिखने के साथ बड़ी ईंटों को बीच में एक अग्निवेदी के साथ एक विशाल पक्षी के आकार में रखा गया है। दोस्तों, मान्यता है कि द्वापर युग में गुरु द्रोणाचार्य ने द्वारा गांव के पास देहरादून शहर से 14 किलोमीटर पूर्व में देवदार पर्वत पर तप किया था। इसी से यह घाटी द्रोणाश्रम कहलाती है या द्रोण नगरी कहलाती है। केदारखंड को स्कंद पुराण का एक भाग माना जाता है। उत्तराखंड शहर देहरादून का उपनाम दून घाटी का इतिहास रामायण और महाभारत की कहानी से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि रावण और भगवान राम के बीच लड़ाई के बाद भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण ने इसी स्थान पर तपस्या की थी। द्रोणाचार्य महाकाव्य महाभारत में कौरवों और पांडवों के लिए पौराणिक रॉयल गुरु के नाम से द्रोण नगरी के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म देहरादून में हुआ। देहरादून के आसपास के क्षेत्रों में प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों जैसे प्रमाण पाए गए हैं, जो रामायण और महाभारत की पौराणिक कथाओं से जुड़े हैं। माना जाता है कि ये अवशेष और खंडहर लगभग 2000 साल पुराने हैं। इसके अलावा स्थानीय परंपराएं और साहित्य महाभारत और रामायण की घटनाओं के साथ इस क्षेत्र को दर्शाया गया है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद भी इस क्षेत्र पर पांडवों का प्रभाव था, क्योंकि सुभाव के वंशजों के साथ हस्तिनापुर के शासकों ने सहायक के रूप में इस क्षेत्र पर शासन किया था। 7वीं शताब्दी में इस क्षेत्र को सुधा नगर के रूप में जाना जाता था और इसका वर्णन चीनी यात्री वैन सोंग ने किया था। बाद में सुधा नगर को कालसी के नाम से पहचाना जाने लगा। देहरादून में कई सारे शिक्षण संस्थान हैं, जहां पर विद्यार्थी अपनी पढ़ाई की तैयारी करने के लिए दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। देहरादून प्राकृतिक सौंदर्य से भी भरा हुआ है। एक बार यहाँ पर घूमने आने वाला व्यक्ति दोबारा जरूर ही शहर में जाना चाहेगा। वैसे तो शहर में बहुत कुछ ऐसा है जिसकी हर कोई प्रशंसा करता है, लेकिन चाय, बासमती चावल और लीची के बागान हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देहरादून एक ज़िला है जिसमें लगभग 17 शहर और कई सारे गाँव हैं। कहते हैं कि बहुत सारे गांव में से कई गांव इस ज़िले में ऐसे भी हैं जहां पर कोई नहीं रहता। इस शहर के इतिहास के बारे में यदि हम जाने तो हमें पता लगता है कि भगवान श्री राम भी इस स्थान पर आए थे। इसके अलावा ऐसा भी कथाओं में कहा गया है कि भगवान विष्णु ने राक्षसों का वध करके ऋषि मुनियों को यह भूमि दी थी। वास्तव में इस देहरादून का हमारे इतिहास में कई जगह नाम जोड़ा जाता रहा है।
देहरादून हमारे भारत देश का एक प्रमुख जिला है। देहरादून में कई ऐसे धार्मिक स्थल भी हैं जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। राजपुर रोड पर कुछ किलोमीटर की दूरी पर साईं दरबार मंदिर है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसी राजपुर रोड पर भगवान बुद्ध का भी एक सुंदर मंदिर है। गणी कैंट में एक टपकेश्वर मंदिर भी है जिसकी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है, आप मेरा चैनल विज़िट करके वहाँ पर देख सकते हैं। यह मंदिर भगवान शिव का है, इसमें भगवान शिव जी का शिवलिंग भी है। शिवरात्रि के समय इस विशेष स्थान पर मेला भी लगता है और दूर दूर से लोग भगवान शिव शंकर की पूजा करने के लिए यहाँ पर आते हैं। देहरादून से केवल 7 किलोमीटर की दूरी पर गौतम बुद्ध का मंदिर है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। वास्तव में देहरादून एक ऐसा स्थान है जिसका नाम इतिहास से जोड़ा जाता रहा है। इस स्थान पर हम सभी को एक बार ज़रूर घूमने जाना चाहिए। आप देहरादून किस तरह से पहुंच सकते हैं? देहरादून दिल्ली से लगभग 235 किलोमीटर दूर उत्तर भारतीय राज्य उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट है जहाँ से देहरादून की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। यहाँ से आप आसानी से टैक्सी से जा सकते हैं। और अगर निकटतम रेलवे स्टेशन की बात करें, निकटतम रेलवे स्टेशन देहरादून में ही है, आप आसानी से देहरादून तक ट्रेन से आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई और मेरी जानकारियाँ अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना। इसी तरह की मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूँगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।